नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। इस बिज़नेस को आप 3500 रुपये में शुरू कर सकते हो और महीने के 25,000 से 30,000 रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3500 रुपये में आप इस बिज़नेस को शुरू करके महीने के 25 से 30,000 रुपये तक अपने घर से ही कमा सकते हो। दोस्तों, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, हर कोई इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है। दोस्तों, वीडियो के अंदर आप ये जो सब सामान देख रहे हो, ये सब सामान 3500 रुपये का है और इसी सामान से जो है आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हो और महीने के 25 से 30,000 रुपये तक अपने घर से ही कमा सकते हो। दोस्तों, ये जो सामान है, इसके साथ साथ क्या आएगा, ये सामान क्या है, इससे क्या प्रोडक्ट बनाना है, किस प्रकार से आपको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, इस बिज़नेस को शुरू करके कितना प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट का जो एक पैकेट है उसके पीछे आपको कितना पैसा मिलता है, ये सब जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ये जो 3500 रुपये का सामान है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है, एक तो मिलते हैं ये 300 गत्ते, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको 300 गत्ते जो हैं इसके अंदर मिल जाते हैं। कुछ इस प्रकार के ये गत्ते हैं, ये 300 पीस है। फिर आपको एक मिलती है वेट मशीन, ये देखिए कुछ इस प्रकार की आपको एक वेट मशीन मिलती है, 3 ग्राम से लेके 10 किलो तक जो है ये मशीन वेट करती है। उसके बाद आपको मिलता है एक स्टेपलर, ये बड़ा वाला स्टेपलर है, 200 रुपये का ये एक स्टेपलर है, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये बड़ा वाला स्टेपलर आपको जो है मिलता है। उसके बाद आपको मिलते हैं ये छोटे छोटे 600 गत्ते। जी हाँ दोस्तों, ये 600 गत्ते हैं, इसका क्या यूज होता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये देखिए पूरे 5 बंडल जो है आपको इसके साथ में मिलते हैं, ये पूरे 600 पीस है। फिर आपको मिलते हैं 2 पाउच के पैकेट, एक पैकेट 1 kg का है और दूसरा पैकेट भी 1 kg का, यानी 2 किलो आपको इसके साथ पाउच मिलते हैं। दोस्तों, एक जो पैकेट है इसके अंदर आपको 2000 से लेकर 2200 पाउच देखने को मिल जाते हैं, यानी टोटल आपके 4000 से लेकर 4400 पाउच आपको इस 3500 रुपये के सामान के साथ मिलते हैं। और लास्ट में आपको मिलती है एक सीलिंग मशीन, देखिए दोस्तों आपको एक सीलिंग मशीन मिलती है। सीलिंग मशीन की पैकिंग आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग की गई है ताकि जो है सीलिंग मशीन टूटे वगैरह नहीं। एक आपको इस प्रकार की सीलिंग मशीन मिलती है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सीलिंग मशीन है। और इसके साथ जो है आपको यहाँ पर देख सकते हो एक क्लोथ और 2 हीटर मिलते हैं, जिससे अगर आपके इसके अंदर के क्लोथ या हीटर ख़राब हो जाए तो आप उनको चेंज कर सकते हो। और आपको एक ये लेटर मिलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू यूज मशीन, यानी मशीन को आपको कैसे यूज करना है। वैसे दोस्तों, जब आप ये किट खरीदते हो, ये 3500 रुपये का पूरा सामान खरीदते हो और मशीन अगर आपको चलानी नहीं आती है तो हम आपको वीडियो कॉलिंग करके ट्रेनिंग देते हैं कि आपको मशीन को कैसे चलाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपको वीडियो कॉलिंग करके बताते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है टेक्निकल सपोर्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3500 रुपये में आपको ये सब सामान मिलता है। अभी इस सब सामान से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको प्रोडक्ट को कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो गत्ता है, इस गत्ते को आपको लेना है। देखिए आप ये जो गत्ता देख रहे हो, इस गत्ते की आपको ज़रूरत होगी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दोस्तों, इस गत्ते की क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इस गत्ते के ऊपर आप जो है अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी करवा सकते हो, अपनी कंपनी का नाम भी छपवा सकते हो, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आपको इस गत्ते की ज़रूरत होगी। उसके बाद दोस्तों, आपको इस वेट मशीन को जो है ओपन करना है इस प्रकार से, और वेट मशीन से जो है आपको इस वेट मशीन को यहाँ से ऑन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो इस वेट मशीन को ऑन कर दिया है। फिर आपको इस प्रकार की कटोरी की ज़रूरत होगी और इसका कुछ इस प्रकार से वजन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ज़रूरत होगी इस पाउच की। देखिए ये जो पाउच है, ये पाउच का पैकेट है, इसके अंदर कुछ इस प्रकार का पाउच आता है, इसकी आपको ज़रूरत होगी। अभी आपको इस पाउच के अंदर जो है प्रोडक्ट का वेट करना है। देखिए दोस्तों, तो मैंने जो है यहाँ पर राई ली है और मैं जो है राई को इसके अंदर भर रहा हूँ। आप अलग अलग प्रोडक्ट ले सकते हो, आप इस जो बिज़नेस के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो वो भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से जो है राई को इसके अंदर भरना है। ठीक है दोस्तों, अभी जल्दी से काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से राई वगैरह बाहर निकल रही है। इस प्रकार से आपको राई को इसके अंदर भर के इसका वेट कर लेना है।
तो देखिए यहाँ पर जो है 21 ग्राम हमारा वेट हो चुका है, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों 13 ग्राम यहाँ पर हमारा वेट हो चुका है। तो आपको जो है इसको 20 ग्राम कर देना है, 15 ग्राम कर देना है। तो यहाँ पर मैंने जो है इसका वेट कर लिया है। उसके बाद आपको जो है इस पाउच को इस सीलिंग मशीन से पैक करना है। ये देखिए सीलिंग मशीन को जो है मैं चालू कर देता हूँ। सिंपली आपको इसको इस स्विच के अंदर डालना है, फिर इसको स्टार्ट करना है। और हाँ दोस्तों, इस मशीन का टेम्परेचर आपको 0 या 1 पे रखना है, तभी जाके आपकी इसकी पैकिंग होगी। अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो आपका पाउच कट जाएगा। तो मैं यहाँ पर 1 पर रख देता हूँ। उसके बाद आपको इस पाउच को जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखना है। और इसकी पैकेजिंग, ये आवाज़ आ गई, जैसे आवाज़ बंद हो जाएगी आपका पाउच पैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा पाउच जो एकदम पैक हो गया है, एक भी राई हमारी बाहर नहीं निकल रही है। इस प्रकार से जो है आपको 12 पाउच पैक करने हैं। जी हाँ दोस्तों, 12 पाउच पैक करने हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है पहले से ही बहुत सारे पाउच पैक करके रख दिए हैं। इस प्रकार से आपको 12 पाउच पैक करने हैं और इन 12 पाउच को इस गत्ते के ऊपर लगाना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे हम किस बिज़नेस के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इस प्रकार से पाउच को इस गत्ते के ऊपर लगाना है। मैं आपको गत्ते के ऊपर लगा कर भी दिखाऊँगा। उससे पहले दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वीडियो के अंदर हम किस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गरम मसाला पैकेजिंग बिज़नेस के बारे में। ये जो सभी सामान देख रहे हो, इससे आप 3 प्रकार के बिज़नेस शुरू कर सकते हो। पहला बिज़नेस है ड्राई फ्रूट का बिज़नेस, देखिए। दूसरा जो बिज़नेस है वो है गरम मसाला पैकेजिंग का बिज़नेस। आप रबड़ पैकेजिंग का बिज़नेस भी कर सकते हो इससे शुरू। आप जो है इससे इस प्रकार से कपूर पैकेजिंग का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो। मैं आपको सभी जानकारी दूंगा वीडियो के अंदर, आप वीडियो को पूरी देखते रहिए। इस प्रकार से आप गरम मसाला पैकेजिंग का बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। ये जो है ये 5 रुपये वाला गरम मसाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से आप इसके अंदर जो है मीठा कलर जो आता है वो भी भर सकते हो। और यहाँ पर आप ये जो पैकेजिंग देख रहे हो, 10 रुपये वाली पैकेजिंग है, इनके अंदर ज़्यादा माल भरा हुआ है। देख सकते हैं ये इलायची जो है एक 10 रुपये वाली है, और ये जो ड्राई फ्रूट है ये भी 10 रुपये वाला है। तो दोस्तों इनके बारे में जानकारी देने से पहले मैं जो है इस गत्ते के ऊपर आपको किस प्रकार से इन 12 पीस को लगाना है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो स्टेपलर है, इस स्टेपलर की ज़रूरत होगी। ये बड़ा वाला स्टेपलर है, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है पिनिंग होती है। तो इनको इसके ऊपर लगाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे से शुरू करना है। देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे से आपको शुरू करना है। तो मैं जो है जल्दी से पैकिंग कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको जो है फटाफट पैकेजिंग करनी है। दोस्तों स्टार्टिंग में आपके टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जब आपका हाथ आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ जम जाएगा, उसके बाद आप जो है बहुत ही जल्दी से फास्ट पैकिंग कर सकोगे। इस प्रकार से जो है आपको इसको इसके ऊपर लगाना है। एक गत्ते के ऊपर दोस्तों आपको 12 पीस लगाने हैं, 12 पीस से ज़्यादा नहीं लगाने, और आपको 10 पीस भी नहीं लगाने हैं। 12 पीस लगाओगे तो आपका जो हिसाब है वो एकदम बराबर रहेगा। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर लगा देता हूँ 12 पीस। ये देखिए यहाँ पर 5 पीस हमारे लग चुके हैं। ये देखिए दोस्तों 6 पीस हमारे जो है लग चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर हमने जो है 6 पीस लगा दिए हैं। अभी हम 6 पीस और लगा देते हैं। दोस्तों ये पूरा जो पैकेट है ये कितने रुपए में बनता है, 12 पीस का जो एक पैकेट है ये कितने रुपए में बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो आप राई का एक पैकेट देख रहे हो, ये 5 रुपये वाला पैकेट है। जो भी इसको ख़रीदेगा वो 5 रुपये में सेल करेगा, ये 10 रुपये वाला पैकेट नहीं है। तो 5 रुपये वाला ये जो पैकेट है, ये पूरा एक पैकेट 12 पीस का ये जो एक पैकेट है, एक दर्जन का ये जो पैकेट है, ये आपके 25 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी ये होलसेल मार्केट में सेल होता है 35 रुपये में। आपको इसको होलसेल मार्केट में जो है 35 रुपये में सेल करना है, और रिटेल मार्केट में ये सेल होता है 40 रुपये में। यानी दोस्तों आपको जो है एक पैकेट के पीछे 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर आप होलसेल मार्केट में सेल करते हो तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, और अगर आप रिटेल मार्केट में सेल करते हो तो आपको जो है 15 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों एक पैकेट के पीछे जो है आपको 15 रुपये मिलते हैं। अगर आप दिन में ज़्यादा नहीं 50 पैकेट भी जो है मार्केट में सेल कर लेते हो
तो आपको होलसेल मार्केट में बेचने पर 500 रुपये का प्रॉफिट होता है, रिटेल मार्केट में बेचने पर 750 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा 12 पीस का एक पैकेट बनकर तैयार हो गया। अभी दोस्तों ये एकदम सिंपल है, अगर आप इसके ऊपर जो है अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवा सकते हो तो इस प्रकार से करवा सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कांबेश्वर ग्रह उद्योग, दोस्तों इस प्रकार से जो है आप इसके ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग भी करवा सकते हो। अगर आप करवाना चाहते हो तो हमें बोल सकते हो, हम आपको ये जो गत्ते देंगे इसके साथ में कंपनी की ब्रांडिंग करवा के देंगे। लेकिन दोस्तों मेरी राय ये है कि स्टार्टिंग में आप इस बिज़नेस को जो है बिना कंपनी का नाम छपवाए शुरू कीजिए। कंपनी का नाम आप कब छपवाना, जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहा है, उसके बाद आप कंपनी का नाम छपवाए। स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से आप इस प्रोडक्ट को बना के सेल कर सकते हो बिना कंपनी का नाम छपवाए। बाद में जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा जाने लगे और आपको लगता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट की पहचान बनानी है, तो इस प्रकार से आप अपनी कंपनी का नाम छपवा सकते हो। और यहाँ पर साइड में देखिए ये 10 रुपये का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर 10 रुपये लिख सकते हो। और यहाँ पर ये देखिए ये 5 रुपये वाला पैकेट है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से जो है आप इसके ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवा सकते हो और प्राइस लिख सकते हो। दोस्तों अभी आप ये जो गत्ते देख रहे हो, ये छोटे छोटे गत्ते, इनसे आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो गत्ते हैं, इस गत्ते से आप इस प्रकार का 10 रुपये वाला गर्म मसाला का पैकेट बना सकते हो। देख सकते हैं आपको जो है इस प्रकार से पीछे गत्ता डालना है, गत्ते के ऊपर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में आपको कोई नाम वगैरह छपवाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा पीछे गत्ता डाल के और आगे इस प्रकार से गरम मसाला भर सकते हो। ये जो एक पैकेट है ये 10 रुपये में बिकता है। जी हाँ दोस्तों, 5 रुपये वाले पैकेट की प्राइस सीधी यहाँ पर 10 रुपये हो जाती है गत्ता डालने से, और थोड़ा सा माल आपको इसके अंदर ज़्यादा डालना है। देखिए मैंने इसके अंदर जो है पैकिंग किया है, ये देखिए ये यही गत्ता है और इसी गत्ते के अंदर मैंने इस गरम मसाले को पैक किया। ये भी दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है दोस्तों। और आप इस प्रकार से जो है कपूर भी पैकिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए ये भी एक जो पैकेट है 10 रुपये में सेल होता है, देख सकते हो आप यहाँ पर। इसके पीछे भी कुछ इस प्रकार का गत्ता लगा हुआ है और इसके पीछे कंपनी की ब्रांडिंग वगैरह की हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, हम जो ये बिज़नेस बहुत ही पहले से कर रहे हैं, तो हमने जो अपनी कंपनी का नाम वगैरह छपा रखा है। आप स्टार्टिंग में बिना नाम छपवाए इस बिज़नेस को शुरू कीजिए, बाद में जो अपनी कंपनी का नाम छपवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कपूर का पैकेट भी बना सकते हो, और इस पैकेट के अंदर आपको 12 जो है पीस भरने हैं कपूर के एक पैकेट के। इस प्रकार से आपको 12 इसके अंदर छोटे छोटे पीस भरने हैं और आपका ये एक पैकेट बनकर तैयार हो जाएगा। और गरम मसाला के अंदर भी आपको जो है 12 पीस भरने हैं, ठीक है दोस्तों। गरम 10 वाला गरम मसाला आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, और अगर आपको लगता है कि मुझे गत्ते के ऊपर बनाना है तो इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये देखिए इसके पीछे जो है एक छोटा सा गत्ता और डाल दिया है और इसके अंदर जो है गरम मसाले को भर दिया है। इस प्रकार से भी आप 10 वाला पैकेट बना सकते हो। ये 10 वाला जो एक पैकेट है ये आपके 75 रुपये में बनकर तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 70 या 75 रुपये में आपका एक पैकेट बनकर तैयार हो जाता है। होलसेल मार्केट में ये सेल होता है 85 रुपये में, और रिटेल मार्केट में ये सेल होता है 90 रुपये में। यानी दोस्तों इसके पीछे भी जो है आपको 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आप दिन में ज़्यादा नहीं 100 पैकेट सेल कर देते हो तो आप दिन के आराम से 1000 रुपये तक कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप इस टाइप का पैकेट बनाते हो तो भी आपको एक पैकेट के पीछे 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, और इस टाइप के पैकेट के पीछे भी आपको 15 से 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। दोस्तों बहुत ही ईजी बिज़नेस है, बहुत ही आसानी से आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो अपने घर से ही। महिलाएँ भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकती हैं। तो दोस्तों ये जो 3500 रुपये का सामान है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वेट मशीन जो है कुछ इस प्रकार की मिलती हैं। इस वेट मशीन से आप 3 ग्राम से लेकर 10 केजी तक वजन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप इससे 1 केजी तक ही वजन कीजिए, 1 केजी से ऊपर इसके ऊपर वजन मत करना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कपूर के पैकेट भी बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। और हाँ दोस्तों, ये जो 3500 रुपये का सामान है, इसके साथ आपको सैंपल पीस भी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सैंपल पीस मिलते हैं, जैसे ये गरम मसाले का पीस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक पैकेट के अंदर कितना माल भरना है। ये 5 रुपये वाला आका, क्या बोलते हैं इसको, 5 रुपये वाला ये आका धनिया है, ठीक है। ये एक कलर का पैकेट है, ये भी गरम मसाला है, ये जीरा है 5 रुपये वाला। दोस्तों ये जो गत्ता डाला हुआ है ये पैकेट 10 रुपये में सेल होता है। देखिए इसके पीछे छोटा सा गत्ता डाला हुआ है, ये पैकेट 10 रुपये में सेल होता है। ये रबर का 5 रुपये का पैकेट है। ये देखिए ड्राई फ्रूट, ये 10 रुपये का पैकेट है। ये देखिए इसके पीछे गत्ता डाला हुआ है, ये भी 10 रुपये का पैकेट है। ये भी 5 रुपये का है, ये भी 5 रुपये का है, ये भी 5 रुपये का है, ये भी 5 रुपये का, ये भी 5 रुपये का है। तो इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं आप इस सामान से तैयार कर सकते हो, इस मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। हम आपको जो है ये सैंपल पीस भी साथ में देते हैं, जिससे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं हो प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है दोस्तों। और पैकेट जो है कुछ इस प्रकार से बनते हैं, आप देख सकते हो।
ये एक पैकेट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये अभी हमने बनाया वो वाला पैकेट है देख सकते हैं आप, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, ये चौदह, ये पंद्रह और ये सोलह। टोटल दोस्तों 20 प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हो आप इस 3500 रुपये के सामान से। आपको इन सभी प्रोडक्ट को एक ही साथ में मार्केट से ख़रीदना है और इस बिज़नेस को स्टार्ट कर देना है, आपको जो है बहुत ही ज़्यादा इस बिज़नेस से कमाई होगी। तो दोस्तों ये जो माल है, ये माल किस प्रकार से पैकेजिंग होता है, किस प्रकार के बॉक्स के अंदर आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का बॉक्स होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको ये पूरा सामान आता है। कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों बॉक्स जो है कुछ इस प्रकार से पैकेजिंग होता है। यहाँ पर परमार प्रोडक्ट हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। इस किट को, इस बॉक्स को हमने ही लॉन्च किया है। इसके अंदर जो भी माल है, जो भी मटेरियल है, वो मैंने बहुत ही मेहनत करके इकट्ठा किया है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि लोगों को जो है बिज़नेस तो चालू करना होता है लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है परमार प्रोडक्ट, और साइड में यहाँ पर देखिए हैंडल विथ केयर दिस साइड अप, यहाँ पर भी देखिए हैंडल विथ केयर, और यहाँ पर भी देखिए हैंडल विथ केयर, जिससे जो भी कुरियर कंपनी है वो प्रोडक्ट को, इस बॉक्स को अच्छे से उठाएगी और सही से केयर करेगी, हैंडल करेगी। चलिए अभी हम इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं और देख लेते हैं अंदर जो है माल किस प्रकार से जमा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये बॉक्स ओपन होता है। सबसे पहले आपको इसके अंदर जो है आपके गत्ते देखने को मिल जाते हैं, जो 300 गत्ते हम आप इसके साथ में देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये गत्ते इसके अंदर निकल गए। फिर यहाँ पर आपको ये सैंपल पीस मिलते हैं, ये देखिए ये सैंपल पीस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट जो है हमें कितना भरना है। फिर यहाँ पर ये देखिए 600 गत्ते, छोटे छोटे गत्ते जो हैं ये आपको इसके अंदर कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। फिर आपको ये स्टेपलर मिल जाता है बड़ा वाला, ठीक है। और ये जो वेट मशीन है ये भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, देख सकते हैं आप, ये रही वेट मशीन, सॉरी ये उल्टी हो चुकी है, ये वेट मशीन, ठीक है। फिर जो है आपको इसके अंदर ये पाउच के दोनों पैकेट मिल जाते हैं, ये देखिए ये पाउच के दोनों पैकेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको ये सीलिंग मशीन मिल जाती है, ये देखिए ये सीलिंग मशीन जो है आपको इसके अंदर मिल जाती है। खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो दिखाई दिया है वीडियो के अंदर, ये सीलिंग मशीन आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ये सब सामान जो है कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आता है। दोस्तों अभी अगर आप इस पूरे सामान को, इस पूरे रॉ मटेरियल को ख़रीदना चाहते हो तो आप हमारे पास से ख़रीद सकते हो। 3500 रुपये का ये पूरा सामान है, 1000 रुपये आपको एडवांस करना पड़ेगा और बाकी का जो है जो भी कुरियर वो आपके घर पर आएगा उसको देना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रोडक्ट की और इस बिज़नेस की पूरी जानकारी दे दी। अगर आप इस किट को, इस पूरे सामान को ख़रीदना चाहते हो तो ये हमें कॉल करें। और हाँ दोस्तों आपको 1000 रुपये एडवांस करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कॉल पर ऐसे बोलते हैं कि सर हमें माल भिजवा दो, हम यहाँ पर आकर पेमेंट करवा देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, आपको 1000 रुपये एडवांस करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका माल भिजवाया जाएगा। दोस्तों 1000 रुपये हम इसलिए एडवांस लेते हैं कि हमने बहुत बार जो है माल भिजवा दिया लेकिन जो भी कस्टमर होता है वो हमारा कॉल नहीं उठाता है, वो पार्सल को लेने के लिए नहीं आता है, तो हमारा जो भी पार्सल है वो रिटर्न आता है। इसकी वजह से हमें कुरियर चार्ज देना पड़ता है आने और जाने का, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो इसी कारण से दोस्तों हम 1000 रुपये पहले ले लेते हैं, जिससे जो भी कस्टमर है वो जब पार्सल वाला उसको कॉल करेगा तो वो पार्सल लेने ज़रूर जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी मशीन है वो हम सभी मशीन जो है एक ही कंपनी की देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 मशीन पड़ी है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सभी जो मशीन है इसी प्रकार की है। ये मशीन जो है हम सभी बॉक्स के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बिज़नेस की पूरी जानकारी दे दी है। और अगर आप इस किट को ख़रीदना चाहते हो, इस सभी सामान को ख़रीदना चाहते हो, तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पर मिल जाएंगे और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।